हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग ओपन एट बोथ द एंड्स प्रोड्यूसेस हार्मोनिक्स। व्हिच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप रेजोनेट एट 1.1 किलोहर्ट्ज़ सोर्स। टेक स्पीड ऑफ द साउंड इन नियर 330 मीटर पर सेकंड। ओके, सो हमें एक ओपन ऑर्गन पाइप दे रखे जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। लेंथ हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। ठीक है, हार्मोनिक प्रोड्यूस करें, हमें बताना है कौन सा हार्मोनिक मोड रेजोनेट करेगा 1.1 किलोहर्ट्ज़ सोर्स के साथ। अब देखो, जिस भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हमारी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तब वो रेजोनेट करेगा उसके साथ, राइट। अब देखो, हम डिफरेंट हार्मोनिक्स के लिए जो ओपन ऑर्गन पाइप की जैसे हार्मोनिक प्रोड्यूस होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। जो फंडामेंटल मोड होता है, जो फर्स्ट हार्मोनिक होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज V/2L, ये होती है, राइट। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 2 times V/2L, इसको हम 2 times F1 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली F3 हो जाती है 3 times V/2L, 3F1 लिख सकते हैं, ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, अब देखो F1 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, V की पहले स्पीड ऑफ द साउंड हमें 330 दे रखी है, 2 into 0.3। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा 330 और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डेसिमल, तो 2 into 3 ये जाएगा 110, जिसको मैं फर्दर लिख सकती हूँ 1.1/2 into 10^3 हर्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की तो फ्रीक्वेंसी ही आ गई, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक की होगी। सेकंड की अगर मैं निकालूँ तो 2 times F1 होगी, 2 times F1 यानी कि 2 × 1.1/2 × 10^3 हर्ट्स यानी कि हो जाएगी 1.1 × 10^3 हर्ट्ज। अब देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी ये हमारी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, यानी कि जो सेकेंड हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी से ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, यानी कि सेकेंड हार्मोनिक के साथ ये क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। ठीक है, तो थर्ड की भी वैसे हम निकाल के देख सकते हो, क्योंकि सेकेंड से ही मैच हो गया, तो हम बोल सकते हैं सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करेगा। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।